दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूं। तो आज हम जानेंगे 4 नवंबर 2022 देव उठनी एकादशी की व्रत कथा जो एक प्रकार से है। एक राजा था, उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और उस दिन प्रजा पशु कोई भी अन्न नहीं खाता था। तो एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोले कि हे महाराज, मुझे आप नौकरी पर रख लो ताकि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं नौकरी पर तो रख लूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि तुम्हें प्रतिदिन खाने को दिया जाएगा, लेकिन एकादशी के दिन बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब उसे नौकरी पर रख तो लिया, तो कुछ दिनों बाद एकादशी व्रत है, उसे खाने की जगह फलाहार का सामना किया गया। तो यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा, कहा, महाराज इस फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूखा ही मर जाऊंगा, तो कृपा करके मुझे खाना दीजिए। तो राजा ने उसे दी हुई शर्त याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा, और यदि तुम अन्न छोड़ने के लिए राजी नहीं हो तो तुम्हें आटा दाल चावल दे दिए जाएंगे। तो उस व्यक्ति को ऐसी वस्तु दे दी, उन्हें लेकर प्रतिदिन की तरह वनदी पर गया और वहाँ जाकर उसने पहले स्नान किया, फिर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया, कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। तो उस व्यक्ति ने भगवान को श्रद्धा भाव से भोजन करने के लिए बुलाया, स्वयं चतुर्भुज रूपी भगवान विष्णु भी वहाँ आ गए। अब दोनों ने आराम से भोजन किया, भगवान तो भोजन करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम में लग गया। 15 दिनों के बाद जब फिर से एकादशी आई तो राजा के पास गया और कहने लगा कि हे महाराज, आज की इस एकादशी वाले दिन मुझे दुगना सामान दीजिए, क्योंकि मैं पिछली एकादशी वाले भूखा रह गया था। तब राजा ने पूछा कि तुम्हें एक आदमी का खाना दिया गया था तो तुम भूखे कैसे रह गए। तो राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे साथ भगवान भी तो खा रहे थे, तो इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान कम पड़ गया। तो कृपा करके इस बार आप मुझे 2 आदमियों के खाने का सामान देना। तो उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, बोला, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान खाना खाने आते हैं, क्योंकि मैं इतने वर्षों से एकादशी का व्रत रखता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, किंतु मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अब राजा की बात सुनकर वह आदमी बोला कि महाराज, यदि विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लो। तो राजा ने वैसा ही किया। अब वह एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गया। अब वह व्यक्ति रोज की तरह स्नान करके भोजन पकाता, भगवान को आवाज लगाता, बोलता, हे भगवान, खाना तैयार हो गया, कृपा करके खाना खा लो, किंतु भगवान नहीं आए। ऐसे में शाम हो गई, किंतु फिर भी भगवान नहीं आए। अब अंत में व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, अब आप आ जाओ, नहीं तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। अब प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा, जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भावगीन भगवान ने उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए। उसी दिन की तरह साथ बैठकर भोजन खाने लगे। तो खाना खाने के बाद भगवान ने अपने विमान से बैठाकर उस व्यक्ति को अपने धाम ले गए, जिससे राजा को यह सीख मिली कि अगर पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखोगे तो उसका अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की देवउठनी एकादशी की कार्तिक एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये एकादशी की व्रत कथा का वीडियो थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।